कैफ, जबकि मैंने आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये दिया कि यू नो मे वेल बी इंडियाज बेस्ट फील्डर एवर, लेकिन आपके बारे अब एक और चीज़ भी कही जा रही कि एक बहुत छोटे स्पैन में सडनली आपने डिजिटल मीडिया को एम्ब्रेस किया और आपकी जो सक्सेस है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है इसमें, शायद अदर देन एनी अदर नॉन प्लेइंग क्रिकेटर यू आर नंबर वन, राइट? तो ये आपने क्या किया, आई मीन व्हाट डिड यू डू राइट, कि आप क्या करते हैं, आई यू क्या कुछ टिप्स हैं लोगों के लिए यहाँ पे, आई यू वेरी एक्टिव, आप सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज में जाते हैं, मतलब एक एक कोई ब्लू प्रिंट तो होगा कि आपने ये अचीव किया जो किसी और ने नहीं किया. देखिए मेरा तो जो आपने बोला फील्डर क्रिकेटर, वो अच्छा एक इंट्रोडक्शन था मेरे लिए. मैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं मानता हूँ. मैं ऑफकोर्स बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट था जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब मैंने भारत के लिए खेला भी. लेकिन फिर एक आवाज़ मिली, इसके ज़रिए आप बहुत लोग तक पहुँच सकते हैं. जैसे सबने आप बताया कि आप एक ताकत है, एक पावर है, जो आप एक माध्यम है जो जिससे आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, अपनी आप मैसेज पहुँचा सकते हैं उनके तक. लेकिन मेरा देखिए, मैं तो सिंपल तरीके से इसको इस्तेमाल करता हूँ. कॉन्ट्रोवर्सी माइंड में नहीं होती, आप सिर्फ ऑनेस्टली बोलना चाहते हो आप क्या फील करते हो, वो आपको बोलना अनिवार्य आवश्यक है. क्योंकि आप, मैं अगर पब्लिक फिगर हूँ तो लोग चाहते हैं कि मैं अपना व्यूज़ डालूँ, बोलूँ. और फिर जैसे आप बात हुई यहाँ ट्रोल की, ट्रोल तो मैं मानता हूँ कि ये मीडिया का दिया हुआ शब्द है. ट्रोल मेरे नज़रिए में कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है. ट्रोल होता है कि आपकी सहमति है या नहीं है, बस उस पर कि आपने भाई इस बात से मैं सहमत हूँ, इस पर नहीं हूँ, इस पर मुझे काम करना है, इस पर मुझे, मैं आपसे, आपको मैं, आपने मुझे इंस्पायर किया, मैं आपके लाइन पे चलना चाहता हूँ या सीखा मैंने. तो ये दो चीज़ होती है बेसिकली. ट्रोल तो एक लोग बोलते हैं कि चलो मीडिया में एक अच्छा शब्द मिल गया ट्रोल, तो लोग ट्रोल्स का इसका इस्तेमाल होता है. मेरे लिए तो मैं युवा, जो आपका ये कॉन्क्लेव की बात करें, बड़ा अच्छा एक शब्द है युवा, जो यूथ को डायरेक्शन के लिए आप बात करते हैं, यूथ को डायरेक्शन देना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे शहर से आया, मैं जानता हूँ मेरे साथ जितने लोग, उनका ड्रीम था खेलना क्रिकेट, इंडिया के लिए खेलना, लेकिन मैटर ऑफ चांस था कि मैं ही खेल पाया. बहुत लोगों का ड्रीम था लेकिन मैं निकला, मैं हॉस्टल गया, मैंने वहाँ स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत कुछ सीखा लाइफ में. बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाया, बहुत लोग खेलते वहीं रह गए. अभी मैं जानता हूँ जो थोड़ा सा अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ मुश्किल में है. तो ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा, अगर मुझे मुझे मौका मिला है इस लेवल पे आके एक मैसेज पास करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए लोगों को, तो मैं अपना व्यूज़ ऑनेस्टली बोलता हूँ, जो लोग समझते भी हैं. ऐसा नहीं, मैं हमेशा एक जो सवाल का जवाब हमेशा मुझे सही तरीके से मिलता है. लोग इंजॉय भी करते हैं, लोग सीखते भी हैं. एक मैं आपको बता दूँ, क्रिकेट पर मैंने लिखा था वेस्ट इंडीज़ वर्सेज बांग्लादेश मैच था, तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने 5 ओवर में 5 विकेट मार दी अगेंस्ट बांग्लादेश. तो वहाँ के किसी सपोर्टर ने बोला कि आप तो मुस्लिम हो, आप वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, 5 विकेट लिया. तो उनका नाम आसिफ था, आसिफ. तो मैंने उसको बड़ी पोलाइटली रिप्लाई किया कि यार मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसको तारीफ़ करता हूँ, और आपको ये नज़रिया बदलना चाहिए. तो समझे वो समझे, वो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, मुझे वो, मैं उनका रोल मॉडल था. जब हम लोग इस तरह बात करते हैं तो लोग चेंज भी होते हैं, ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे. मतलब ट्रोल्स को, या जैसे आप कह रहे हैं ट्रोल, तो हम लोग ने नाम दिया है, ट्रोल होते नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो उनको एंगेज करना चाहिए, कुछ आपके जैसे, कुछ स्वरा के जैसे, लेकिन करना एंगेज ज़रूर चाहिए.